हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्टडी अबाउट सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कंसीडर्ड एज अ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। दैट मींस एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कब बनता है? जब कोई रेक्टेंगल अपनी एक साइड के अबाउट रिवॉल्व करता है। ओके, That means, just suppose, ये एक rectangular paper sheet है, तो ये rectangular paper sheet अगर अपनी इस side के about revolve करती है, इस तरह से ये revolve करती है, तो यहाँ पर ये एक cylinder create हो जाता है इस तरह से। तो इसे ही हम कहते हैं right circular cylinder। And now हम देखते हैं कि इसका curved surface area कितना होगा। curved surface area या इसी को कहते हैं lateral surface area of cylinder is equal to, यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने ये rectangular sheet ली थी, okay? Just suppose इसकी ये वाली side h height की है, यानी कि इस rectangular sheet की height h है, and यहाँ पर l है इसकी length। तो यहाँ पर हमने देखा था कि h height के about इसने revolve किया, एक cylindrical form में बन जाता है, ये एक solid generate होता है, जिसे हम cylinder कहते हैं। तो अभी भी इसकी जो हाइट है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे, तो ये अभी भी h है, एंड जो रेक्टेंगल की लेंथ l थी, उसके थ्रू यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंस तैयार हो जाती है। तो इस सर्कमफ्रेंस की वैल्यू, अगर हम इसकी रेडियस को कहें r, तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस 2 पाई r है, उसी का नाम क्या है? l। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, क्योंकि ये जो सिलेंडर तैयार हुआ है वो इस शीट से तैयार हुआ है, तो जो शीट का एरिया होगा वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। नाउ दिस इज एल इंटू एच, एंड एल क्या है यहाँ पर? 2 पाई आर इंटू एच। तो ये जो फॉर्मूला तैयार होता है, ये 2 पाई आर एच, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहेंगे। एंड नाउ अगर यहाँ पर इस सिलेंडर को ऊपर से भी बंद कर दिया जाए एंड नीचे से भी बंद कर दिया जाए, तो यहाँ पर इसके लिए आपको दो सर्कल्स चाहिए। तो सर्कल का एरिया हम जानते हैं कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल यूज किया जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, एंड नीचे भी एक सर्कल यूज किया जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर एड हो जाएंगे। ये कर्व सरफेस एरिया था, एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, में हमने 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। ओके, नाउ यहां पर अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसी को हम कहते हैं सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ओके, एंड नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पाई आर स्क्वायर एरिया का यहाँ पर सर्कल है। इस तरह से अगर हम इमेजिन करें, तो इसके अंदर बहुत से सर्कल्स हैं, जिन सभी का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर है। तो इस तरह से हम पूरी हाइट नीचे एच तक जाने तक हम एच पाई आर स्क्वायर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन कर दें हाइट से, तो ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, सो यहाँ पर हमने सिलेंडर को स्टडी किया, एंड नाउ आप 13.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड ओवर टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।